जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के समर्थन में मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस दौरान भी कयास लगाया जा रहा था कि वो विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन विधानसभा चुनाव बीत गया, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए और इस दौरान फ्रीलांसिंग राजनीति करते रहे। लेकिन अब तकरीबन 20 महीने बाद मुहूर्त निकला है और वो बीजेपी का दामन आखिरकार उन्होंने थाम लिया है। इतनी देरी क्यों की, ये जवाब शायद आज वो देंगे, लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी को उत्तर भारतीयों का एक बड़ा समर्थन की ज़रूरत है और उसको देखते हुए हो सकता है कि कृपा शंकर सिंह का इस्तेमाल किया जाए महानगर पालिका के चुनाव में, क्योंकि मुंबई में तकरीबन 40 लाख के करीब उत्तर भारतीयों की आबादी है। हालांकि बीजेपी के बाद खुद भी अपने बड़े कई ऐसे उत्तर भारतीय नेता हैं, लेकिन कृपा शंकर सिंह के कद का कोई नेता नहीं है। कृपा शंकर सिंह जौनपुर ज़िले से आते हैं, मुंबई में एक झुग्गी में रहते हुए उन्होंने दवाई की दुकान में नौकरी की, आलू और प्याज भी बेचा, कांग्रेस के कार्यकर्ता से उन्होंने शुरुआत की थी और फिर उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सरकार में राज्य मंत्री पद भी ग्रहण किया, गृह राज्य मंत्री थे, 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि बाद में उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे, यानी कि तकरीबन आय से अधिक संपत्ति के ऐसे आरोप थे जो कि बहुत गंभीर आरोप माने गए, मामला दर्ज हुआ और कृपा शंकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और फिर वो धीरे धीरे उनकी जो राजनीति है वो नेपथ्य में चलती चली गई, लोगों का साथ छूटता चला गया। लेकिन फिर भी जैसा कि उनका अपना जीवन है, अपना स्वभाव है, वो मिलन लोगों से मिलते रहे और संघर्ष करते रहे, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने और फिर से वो धीरे धीरे उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखना जारी रखा। बहरहाल कांग्रेस से उनकी पूछ कम हुई, दूसरे नेता सामने आ गए, उनके कई ऐसे कुछ समर्थक थे उत्तर भारतीय, वो धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसा लगा कि वो भी बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बीजेपी में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस जरूर उन्होंने छोड़ दी। तो अब जो है बीजेपी उनका इस्तेमाल करने को सोच रही है महानगर पालिका चुनाव में, और जिस तरह के स्वभाव है, जिस तरह का उनका अपना एक व्यवहार है, वैसे कद्दावर और मिलनसार उत्तर भारतीय नेता मुंबई में कम ही हैं जो उनके कद का हो, और इसी का फ़ायदा शायद अब बीजेपी उठाना चाह रही है। तो कृपा शंकर सिंह अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से निंदा का पात्र रही है केंद्र सरकार, उसके बाद से बीजेपी का थोड़ा सा जो प्रभाव कम हुआ है, सरकार भी यहाँ पर बदली है, अब महाविकास आघाड़ी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो कृपा शंकर सिंह के लिए भी राह इतनी आसान नहीं होगी कि सभी को अपने साथ जोड़े रखना और बीजेपी में अपना एक अस्तित्व बनाना। मुंबई से सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।